आखिर क्यों कोणार्क सूर्य मंदिर पिछले 118 सालों से बंद है? क्यों कहा जाता है इस मंदिर को श्रापित? सूर्य भगवान को समर्पित ये मंदिर है, फिर भी इसमें उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती है? इतना ही नहीं, इस मंदिर को बनाने वाले एक शिल्पी ने आत्महत्या भी कर ली थी। इस मंदिर के ऐसे रहस्य जिनको जानकर आप हैरान हो जाओगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उड़ीसा अंदरभागा नदी के तट पर बना है सूर्य देव का एक भव्य मंदिर, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के समय इसके ऊपर एक 52 टन का चुंबक लगाया गया था, जिसके कारण सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में जा रहे लोहे के जहाज भी इसकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले जाते थे। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस चुंबक को चुरा लिया था, जिसके बाद से ही इस मंदिर की ज्यामिति बिगड़ गई और इसकी दीवारें टूटकर गिरने लगी। आज भी नर्तकियों की पायलों की आवाजें सुनाई देती है। एक रहस्यमय श्राप के कारण ये मंदिर आज भी अधूरा है। सन 1903 में ब्रिटिश सरकार रहस्यमय कारणों के कारण इस मंदिर को बालू से ढककर पूरी तरह बंद कर दिए थे। इसके बाद अब 118 साल से भी ज्यादा समय के बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार इस मंदिर के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मिलेगा इस मंदिर के